बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और वो हमारे पास क्या है, लोगारिथम है। लोगारिथम की 3.1 और 3.2 भी हमने हाफ तकरीबन मैंने बता दी थी आपको। लॉग टेबल यूज़ करना बताया था और आप लोगों को एंटी लॉग टेबल यूज़ करना बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि एंटी लॉग हम कैलकुलेटर में कैसे लेते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट और लॉग को प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंटी लॉग। और जो जिस नंबर का भी लेना होता है वो नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उस दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स थे, ठीक है। एक का आई थिंक हमारे पास आंसर 5621 आया था और एक का हमारा आंसर आया था 3648 आया। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें करेक्टरिस्टिक्स में से क्या माइनस करना होता है, हमेशा आपने 1 को ऐड करना होता है। एक की करेक्टरिस्टिक्स 0 आ रही थी और एक की 4 आ रही थी। जब हम 0 आए थे तो आप इधर से कैलकुलेट करेंगे 0 कि आपकी आप कितने नंबर का 0 अगर आ गए तो आप अपना अपने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, 0 नंबर के बाद तो आपने 0 पॉइंट लगाना। और एक की 4 आई तो आपने 1, 2, 3, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर करना था। एक की 0 आई थी, एक की 4 आई थी। 0 आएगी तो आपने 0 पॉइंट, 4 आएगी तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन सारा पिछली वीडियो में है वो आप लोग देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर से आज हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू। अब जो अननोन नंबर्स यहाँ पर गिवन है इन क्वेश्चन में वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी, जनरल फॉर्म तो मैंने उस दिन इसकी बताई थी आपको, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो इंडेक्स में होता है ये नंबर उधर जाके नंबर बन जाता है, जो नंबर उधर होता है वो उसकी पावर बन जाती है, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे रह जाएगा 81 यहाँ पे रह जाएगा और ये जो इंडेक्स में नंबर होता है ये उधर चला जाएगा नंबर बन जाएगा, जो उधर नंबर होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास ये जो इंडेक्स में नंबर होता है ये उधर चला जाता है इक्वालिटी के उस साइड पर, उधर जाके वो नंबर वो बेस बन जाती है, जो उधर नंबर होता है वो उसकी पावर बन जाती है और ये वाला नंबर एज इट इज रहता है। अब हमने अननोन एल फाइंड करना है। अब हमने ये करना है 81 को भी 3 की पावर में लिखेंगे ताकि बेसिस दोनों की सेम हो जाएं। जब बेसिस दोनों की सेम होंगी तो पावर्स को हम कंपेयर कर लेंगे। अब 81 को आप 3 से एल से लेके चेक कर लें, थ्री की पावर फोर ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लें, एल क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। बस इसका आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो बेस में होते हैं वहाँ पे जाके वो नंबर बेस, यहाँ पे जो इंडेक्स में होते हैं वो नंबर वहाँ पे जाके बेस बन जाती है और जो नंबर वहाँ पे होते हैं वो उसकी पावर बन जाती है, ये नंबर एज इट इज रहता है। फिर हमने अननोन फाइंड करना है पावर में है वो, हम क्या करेंगे 81 को भी 3 की पावर मिलती है ताकि दोनों साइड पे बेसिस सेम हो जाए और हम पावर को कंपेयर कर लें, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो ठीक है। अब 6 इधर ही रहेगा, अब ये जो इंडेक्स में था वो उधर जाके बेस बन गई और जो नंबर उधर होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, ठीक है। 6 आप 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब मैं बोथ साइड पे 2 की क्या ले रही हूँ, पावर ले रही हूँ, यानी कि टेकिंग स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लिखने टेकिंग स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास a, आपने अननोन ही फाइंड करना है, a फाइंड करना है, तो 6 की पावर 2 क्या होता है 36 और ये हमारे पास a की वैल्यू, ठीक है। 0.5 का मैंने इसको 1/2 लिख दिया, फिर मैंने बोथ साइड पे स्केयरिंग कर दी, वो 2 से कैंसिल होगा, सिंपल a की वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड,
log of 10 is equal to 2. एन इधर ही रहेगा, ये इधर इंडेक्स में हो तो जाके बेस बन जाएगी और ये उसकी पावर बन जाएगी, एन इज इक्वल टू 25. आपने आप लोग नंबर से फाइंड करने थे सिंपल, ठीक है. 4 है, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 14, ठीक है. अब इसमें लॉग नहीं है तो सबसे पहले हम बोथ साइड पे क्या लेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन both sides अब हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि log के बाद किस नंबर की जो पावर होती है वो पावर हमेशा log से पहले आ जाती है, ठीक है. log की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर log के पास कोई भी नंबर हो और उसकी पावर है तो पावर हमेशा log से पहले आ जाती है. इसकी पावर p है तो p पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा log of 10 इज इक्वल टू log of 14, ठीक है. अब हमने अननोन फाइंड करें, इसमें अननोन क्या है, पी है, पी हमने फाइंड करना है, ठीक है. बोथ साइड log में तो पहले मैंने बोथ साइड पे log अप्लाई किया, फिर log की प्रॉपर्टी होती है log के बाद कोई नंबर उसकी पावर हो तो पावर हमेशा log से पहले आ जाती है. यहाँ पे पी है तो पी पहले आ जाएगा, log of 10 log of 14. हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर अपनी जगह ही रहेगा log of 14 डिवाइडेड बाई log of 10. अब इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेटर पर फाइंड कर लें, log of 10 में खास से 1 होगा और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देना, ठीक है. आप लिखेंगे log of 14 जो भी आंसर है वो लिख, ठीक है, फाइंड कर लेना. क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने इवेल्यूएट करना है, ठीक है. अब हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं, ये लेफ्ट से इक्वल टू है एक्स से, ठीक है. ये वाई लेने, जी लेने, जो मर्जी आप, वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें. ये नंबर इधर ही रहेगा, ये जो इंडेक्स में है वो उधर जाके बेस बन जाएगी और जो नंबर उधर है वो उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है. अब वन, अब हमने तो अननोन एक्स फाइंड करना है, अब हम 128 को क्या 2 की पावर में लिखेंगे ताकि बेसिस दोनों के सेम हो जाए और पावर्स कंपेयर हो जाए. 128 का एलसीएम ले लें 2 के साथ, जो नंबर इधर होगा ना उसी की पावर इधर बनानी होती है, ठीक है. इसलिए मैं 2 से इसका वो ले रही हूँ सारा. कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 1, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर. अब ये 7 2 की पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस 7, ऊपर जाके हो जाएगी -7. या आप ये कैसे फिर रहे हैं, वैसे तो बस आप इसको ये नीचे प्लस पावर को जाके हो जाएगी माइनस पावर, वो बोथ साइड पे बेसिस सेम होगी है तो पावर्स को कंपेयर कर लें. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, ठीक है. इसको आप लेट कर लें, लेट दिस लॉग इज इक्वल टू एक्स, लेंथ का आपने सॉल्यूशन कर लिया. अब इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं. पार्ट 2 है इसका log of 512 to the base 200. अब उन्होंने कहा कि 512 है और उसकी बेस क्या है हमारे पास, ये आप लिख लें लेट. अब ये क्या, इसकी बेस क्या गिवन है, ये तो पहले आप इसको बेस फॉर्म में लिखें, इसको लेट कर लें, एक्स के इक्वल है ये 512 इधर ही देगा, ये वाला नंबर जाके बेस बन जाएगी और ये वाली चीज जो नंबर होगा वो उसकी पावर बन जाएगी. देखिए इधर 2 की पावर क्या है, 1, इसमें 2 की पावर क्या है, 1/2, 2 की पावर 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इसकी पावर क्या है 1/2, दोनों की बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इन दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड. मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड. तो 1/2 और 1 को ऐड करेंगे, थ्री बाई टू पावर एक्स, ठीक है. अब ये 2 की पावर है तो 5/2 को भी आपने किसकी पावर में लिखना है, 2 की पावर में, ताकि आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आए.
फाइव एंड टू, आप टू के साथ एलसीएम ले लें। नाइन आ रहा है, टू की पावर नाइन, और इसको आप थ्री बाई टू और एक्स देखें। बेसिस बोथ साइड पे सेम है, तो आप किसको कंपेयर कर लेंगे, पावर्स को। ये हमारे पास नाइन इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स है, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये तीन हो जाएगा, ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, एक्स की वैल्यू का सिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। बस आपको जो मैंने भी प्रॉपर्टी जो बताई है वो आपको बस समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान आ गया। एक्स इधर ही रहेगा, ये तो जो बेस में होते हैं वो तो जाके नंबर इंडेक्स बन जाते हैं, जो नंबर इधर होता है उसकी पावर बन जाता है। अब टू को फाइव का मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 32, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, पार्ट टू भी देखें, ठीक है, नाइन इधर ही रहेगा, ये इसकी बेस है, वो जाके इंडेक्स बन जाएगी और ये उसकी पावर है। अब 81 की पावर एक्स का दूसरी साइड पे क्या है, नाइन है। अब हम 81 को 9 की पावर में लिख देते हैं ताकि बोथ साइड पे बेसिस सेम हो जाए और एक्स की वैल्यू निकल आए। 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और एक्स है 9 इज इक्वल टू 9 की पावर 2x, बेसिस बोथ साइड पे सेम है, पावर कंपेयर हो जाए। इधर 9 की पावर क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें। ठीक है, 8 इधर ही देगा, 64 उधर चला गया और x बाय 2 उसकी पावर बनेगा। अब 64 को मैं 8 की पावर में लिखती हूँ, 8 की पावर 2 64 होते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 की पावर 1 है और यहाँ पे 8 की पावर x आ जाएगी, बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लें, x इक्वल टू 1। 4 और 5 पार्ट आप इसी तरह बिल्कुल सेम खुद ही आप लोग करेंगे वो दोनों पार्ट। मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, 3.3। करने से पहले मैं आपको लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। लॉग और उसके साथ दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी तरह लॉ के साथ अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो माइनस में हो जाते हैं, लॉ के साथ अगर मल्टीप्लाई दो नंबर हो रहे हो तो वो प्लस हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी है लॉ। इसी तरह लॉ के साथ अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो वो नंबर माइनस हो जाते हैं। इसी तरह जो पावर जो मैंने अभी हमने क्वेश्चन में भी किया है कि अगर लॉग के बाद किसी नंबर की पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आप करती हूँ, साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। 1 देखिए, लॉग ऑफ a क्रॉस b, अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई है लॉग की, कि लॉग के बाद अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में, एडिशन में। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। लॉग के बाद अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। लेकिन नेक्स्ट वाला जो है वो डिवाइड का ही है, मैंने भी सेकंड प्रॉपर्टी अभी बताई थी आपको, अगर लॉग के बाद दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड हो रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में। आप लिखेंगे पहले log of
15.2 डिवीजन वाले के साथ माइनस, अब डिवाइड किससे हो रहा है 30.5 से, तो अब इतनी माइनस लॉग ऑफ 30.5, ठीक है। इनको आपने कैलकुलेट नहीं करें, इसलिए इन्होंने सिंपल आपको कहा राइट द फॉलोइंग नंबर इज सम और डिफरेंस, आपने सम और डिफरेंस में से लिखना है नंबर्स, ठीक है। लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी किया कि अगर लॉग के बाद दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस के साथ आ जाता है लॉग ऑफ सेकेंड नंबर, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन आ जाता है, डिविजन में माइनस साइन आ जाता है। लॉग ऑफ 15.2 आ जाएगा, माइनस डिविजन हो रही है तो माइनस साइन, लॉग ऑफ दिस नंबर आ जाए, ठीक है। इसी तरह लिखिए थर्ड भी देखें, थर्ड में देखें मल्टीप्लीकेशन भी है डिविजन भी है, तो पहले मल्टीप्लाई वालों को आप लिखें लॉग ऑफ 21, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या साइन आएगा प्लस लॉग ऑफ 5, और 8 इनसे क्या हो रहा है दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग ऑफ, ये 8 नंबर है 21 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने मल्टीप्लाई वाले को लिखा लॉग ऑफ 21, मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 आ जाएगा, अब 8 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस लॉग ऑफ 8, माइनस का साइन से क्योंकि डिवाइड हुई है, आप लेकिन ये क्यूब रूट की फॉर्म में लिखा है, पहले इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखते हैं लॉग ऑफ, ये 3 है ना रूट के ऊपर, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है। अभी हमने ये क्वेश्चन पिछले में 2.2 में भी किया है कि अगर लॉग के बाद किसी नंबर की पावर हो तो लॉग की प्रॉपर्टी है वो पावर क्या होती है लॉग से पहले आ जाती है। अब यहाँ पर पावर क्या है 1/3 है तो 1/3 पहले आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 7/15, 1/3, अब लॉग के बाद दोनों नंबर डिवीजन की फॉर्म में है, जब डिवीजन की फॉर्म में हो तो लॉग इसमें कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 15, 5 देखिए, फाइव में पावर भी है और ये डिवीजन की फॉर्म में भी है। सबसे पहले आप डिवाइड वालों को अलग करेंगे क्योंकि ऊपर पावर अलग है और नीचे पावर डिफरेंट है, तो पहले आप लिखेंगे लॉग ऑफ 22 की पावर 1/3 डिवाइड है तो माइनस साइन, लॉग ऑफ 5 की पावर 3 पावर 3, 1/3 इसकी पावर 3 है, अब लॉग के बाद नंबर है उसकी नंबर की पावर क्या है 1/3, तो प्रॉपर्टी है पावर क्या आ जाएगी पहले लॉग ऑफ 22 माइनस इसकी पावर 3 है वो पहले आ जाएगी लॉग ऑफ 5। इन क्वेश्चन में आपने लॉग 5 नहीं करना, आपने सिंपल इनको प्लस माइनस के फॉर्म में सिंपल लिखना है, सीधे कॉन्सेप्ट है कि अभी प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, डिवीजन होगा तो माइनस, पावर होगी तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। 6 वाला भी देखिए, मल्टीप्लाई भी है डिवीजन भी फॉर्म में भी है, 28 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 47 माइनस लॉग ऑफ 29, तो पिछले भी पढ़ा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुए एक्सप्रेस, इसको हमने लिखना है सिंगल वर्ड। अब देखिए हर एक के साथ अलग अलग लॉग है ना, तो उन्होंने कहा कि आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस करना कि सिर्फ एक दफ़ा लॉग आए, मतलब आपने सारे लॉग की प्रॉपर्टीज अब इस क्वेश्चन पे यूज़ करनी है कि अब सारे लॉग वो खुद ही वापस में बाइंड अप हो जाए और हमारे पास सिंपल एक लॉग बचे, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हर नंबर के साथ आपके पास अलग अलग लॉग है, अब आपने सारे लॉग्स को सिर्फ एक लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने लॉग की सिंपल प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, लॉग ऑफ एक्स, अब हमें पता है जो नंबर स्टार्ट में लॉग के होते हैं वो उसकी क्या बन जाती है पावर, यहाँ पे 3 है स्टार्ट में तो ये इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं
यहाँ मैं लिख देती हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे लिखिए एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब जो माइनस के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा डिवाइड में चला जाता है, ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो डिवीजन में वो होता है वो हमेशा नेगेटिव माइनस साइन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन का गिवन है, इसका मतलब ये डिवीजन में चला जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, अब ये देखें ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर है, तो जो माइनस वाला होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी जो माइनस वाला होता है हमेशा डिवीजन में चला जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वन पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाला पूरा मतलब, अब एक्स प्लस वन है तो इसकी वन पावर से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल क्या रह गया वन ओवर एक्स रह गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा लॉग भी कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे से, सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखें ये वाला लॉग जो है वो एक्स माइनस वन के साथ तो है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, अब आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, इधर भी x के साथ लॉग आएगा, x के साथ तो लॉग है, और यहाँ पे भी देखें x इसकी वन पावर के साथ कैंसिल हुई, इसके साथ लॉग खत्म हो जाएगा लेकिन इसके साथ तो रहेगा। अब हम इनको कंबाइन कर लें, अब जब हमें पता है जब मल्टीप्ल प्लस का साइन होता है तो लॉग इसमें कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग ऑफ ये ऊपर वाला नंबर आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। ये दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, और लॉ की प्रॉपर्टी जब प्लस हो रहे हैं तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर वाला तो ऐसे ही साथ ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, अब आपने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5, अब देखें जब प्लस है प्लस हो तो लॉग क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 21 को 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, लॉग ऑफ 5 आंसर 5 मिल जाते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई दो नंबर के साथ ऐड हो रहे हैं लेकिन जब हम लॉग कंबाइन करके लिखते हैं तो ये सिर्फ एक दफा दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसी तरह इधर लॉग था लेकिन ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे थे ऐड, जब ऐड हो गए तो लॉग सिंपल एक दफा आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसके फॉर्म में आ जाएंगे ये नंबर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ 25 माइनस 2 लॉग ऑफ 3, अब देखिए लॉग ऑफ 25, अब लॉग से पहले जो भी नंबर होगा वो हमेशा उसकी क्या बन जाती है पावर नंबर की, जो लॉग के बाद होता है 3 की पावर 2 हो जाएगी, अब माइनस साइन है, अगर माइनस साइन है तो मतलब ये डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है अगर माइनस साइन हो तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो हम लॉग से एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि अब हमने सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, बहुत साइड पे लॉग लॉग को दोनों के साथ लेंगे, जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो सिंपल लॉग से एक दफ़ा लिखते हैं 25 और 3 की पावर 2 आ जाएगी, आप जब 3 की पावर 2 को लिख लें डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह पार्ट 3 देखें इसका, 2 लॉग ऑफ x माइनस 3 लॉग ऑफ y, अब लॉग से पहले 2 है तो वो उसकी पावर बन जाएगा x की, यहाँ पे लॉग से पहले 3 है तो वो किसकी पावर बन जाएगा y की, अब दोनों के साथ कौन सा साइन है माइनस, जब माइनस साइन होगा तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे डिवाइड, लॉग एक दफा आएगा x की जो माइनस के साथ है वो हमेशा डिवाइड में चला जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 2, पहले ही दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये वाला माइनस हो रहा है डिवाइड आ जाएगा, दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, कंबाइन फॉर्म में हम लिख लें 30 डिवाइडेड बाई 2 कटिंग कर लें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट वन, लॉग ऑफ थ्री इंटू टू। इसमें क्या होता है, जो इंडेक्स वाला नंबर जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। अब ये देखें, लॉग ऑफ टू ऊपर रहेगा आपका, या आपकी नई प्रॉपर्टी है लॉग की, जो इंडेक्स में नंबर होते हैं वो लॉग के साथ नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह लॉग ऑफ 81 ऊपर रहेगा, जो इंडेक्स में नंबर होता है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, जो आप ये नई प्रॉपर्टी आपके पास लॉग की, तो जो इंडेक्स में नंबर होगा वो नीचे लॉग के साथ चला जाएगा, जो ऊपर लॉग ऑफ टू वो ऐसे आ रहा है। यदि भी इंडेक्स में टू है तो वो लॉग ऑफ टू नीचे चला जाएगा और 81 ऊपर ही रहेगा लॉग के साथ। अब क्या होगा, देखिए लॉग ऑफ टू बोथ साइड से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रहा, लॉग ऑफ 81 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। अब देखिए हमारे पास नीचे 3 है ऊपर 81 है, अब 81 को हमें किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 की बेस पावर में लिखेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। थ्री की पावर क्या आ जाएगा, 4 लॉग ऑफ 3। ठीक है, अब 3 की पावर 4 है, अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जो पावर में नंबर होता है वो लॉग से पहले आ जाता है। ये अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे लॉग ऑफ 3 रहेगा, ये कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे पास क्या रह गया, 4। ठीक है, क्या होता है कि जो लॉग ऑफ 2 है एज इट इज रहेगा, जो इंडेक्स में नंबर होता है वो डिवाइड में लॉग ऑफ 2, इसे इधर इंडेक्स में टू है तो लॉग ऑफ 2, ये कैंसिल हो गया, साइड पर 81 और 3, 81 को मैंने 3 की बेस में था, 3 की पावर 4 होता है, लॉग की प्रॉपर्टी अगर पावर में नंबर हो उसके स्टार्ट में चला जाता है, लॉग ऑफ 3 कैंसिल हो गया, सिंपल क्या रह गया, 4। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वन प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉग ऑफ 3 जो इंडेक्स में है वो नीचे चला जाएगा, ये बोथ साइड से कैंसिल हो गया, लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5, 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5। अब हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, ये कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे पास क्या रहेगा, 2। ठीक है, समझ आ गया आपको ये, चलो इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और 3.4 करेंगे, तो ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।